मोस्ट वेलकम है दोस्तों इससे एक नई वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, शिबा की क्या अपडेट्स है ट्विटर पे और मार्केट को लेके आज क्या जानकारी निकल के सामने आई है, पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं सीधा ट्विटर पे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्वीट निकल के सामने आया, शिबा बर्न पोर्टल द्वारा जो बर्निंग की गई है, लगभग 8 करोड़ 51 लाख से भी ज़्यादा कॉइन यहाँ पे बर्न कर दिए गए हैं शी बर्न पोर्टल के द्वारा। 24 आवर्स के अंदर 8 ट्रांजेक्शनों के अंदर यह बर्निंग कंप्लीट की गई है। और यहाँ पे दोस्तों शिबा बर्न ने एक और अपडेट यहाँ पे जारी किया है कि टू मैनी एयर ड्रॉप स्कैम्स आउट देयर सो बी कंटिन्यू। तो यहाँ पे इन्होंने का कहना है कि बहुत से एयर ड्रॉप शिबा इनको इनके नाम से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ZOE अकोस्टा कोई नाम की साइट है जिसने ये एयर ड्रॉप्स दे रखा है दोस्तों 500 बिलियन शिबा इनकॉइन का। तो ये कहीं ना कहीं स्कैम है, तो इन्होंने अलर्ट जारी किया कि स्कैम से बचिए, क्योंकि स्कैमर हर टाइम मार्केट के अंदर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। ये जो एयर ड्रॉप्स है ये शिबा इनकॉइन की तरफ से नहीं दिया गया है, आप साइट चेक कर सकते हो, ZOE अकोस्टा नाम से ये साइट है। तो इससे बचिए भाई, कोई भी अपना वॉलेट इसके साथ अटैचमेंट मत कीजिए ताकि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है कहीं वो भी ना निकल जाए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्कैमर से तो हमेशा बच के ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे अलर्ट दिया गया शिबा बर्न पोर्टल के द्वारा। और यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से अपडेट निकल के सामने आया, शिबा टीम मेंबर रिवेल्स अपडेट ऑन शुबेरियम। तो यहाँ पे रिवेल्स बार बार किया जा रहा है कि शुबेरियम की जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुकी है और दोबारा से लॉन्च होने जा रही है शुबेरियम, जिसका काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शुबेरियम आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, शिबा इनकॉइन अब जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कमेंट्स से भी बचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट डाउन है भाई, मार्केट 31,000-30,000 से 26,000 पे पहुंच चुका है बीटीसी कॉइन। और आप क्या चाहते हैं कि शिबा पंप करे बिना बीटीसी कॉइन के पंप होने के? तो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले मार्केट को उठने दो, बीटीसी कॉइन को अपने वापस वहीं उसी स्तर पे पहुंचने दो। अगर बीटीसी कॉइन इस साल 50,000 या 60,000 तक जा सकता है तो शिबा इनकॉइन भी प्राइस बढ़ेगा और शुबेरियम वर्क करेगी। शुबेरियम आने से होल्डर्स भी बढ़ेंगे शिबा के अंदर, जैसे जैसे मूव करेगा शिबा। और बर्निंग तो आप सबको पता ही है, शुबेरियम एक बड़े लेवल की यहाँ पे करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होल्ड कीजिए। डाउनफॉल आया है, थोड़ा करेक्शन है मार्केट के अंदर, सुधर जाएगी मार्केट, यहाँ से अप ही जाने वाली है मार्केट। कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है इसके अंदर, तो वेट कीजिए, कहीं नहीं जाने वाला है शिबा। और शिबा ने दोस्तों यहाँ पे बर्न रेट अप किया है, यहाँ पे लगभग 80% यहाँ पे जो बर्न रेट है वो बढ़ा दिया गया है 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, बर्न रेट जितना बढ़ेगा, सप्लाई जितनी कम होगी, उतना ही अपने को प्राइस के अंदर बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कॉइनबेस की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है, कॉइनबेस अनाउंसमेंट इट्स प्लान टू लिस्ट पेपल स्टेबल कॉइन PUSD। जो यहाँ पे पेपल की तरफ से जो PUSD कॉइन यहाँ पे जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बड़े जो कंपनियाँ हैं अगर उनके कॉइन स्टेबल कॉइन आएंगे तो मार्केट को बढ़ावा ही मिलने वाला है। और यूएसए की तरफ से एक नेगेटिव रिपोर्ट फिर निकल के सामने आई है कि उनका कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिर से बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मार्केट के अंदर अभी भी दोस्तों बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है। ये थी दोस्तों अपडेट्स आज की शिबा इनकॉइन की और मार्केट के रिलेटिव। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।